नमस्कार न्यूज 18 मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं आप मैं आपके साथ अभिषेक रंजन आज मौजूद हैं हम मुजफ्फरपुर में ही इप्शा पाठक के यहाँ दरअसल इप्शा ने 10 साल तक कॉरपोरेट की नौकरी करने के बाद फैसला लिया कि अब वो अपना काम करेंगे दरअसल इप्शा आजकल मधुबनी पेंटिंग में एक चर्चित नाम है इनके बनाए गए पेंटिंग ऑनलाइन तो डिमांड में रहते ही हैं साथ ही एग्जीबिशन के माध्यम से अपनी पेंटिंग को लोगों तक पहुंचा रही है आज इप्शा का तकरीबन छः से सात लाख रुपए का पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का कारोबार है अब इप्शा प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें बनाने लगी हैं जैसे कि मधुबनी पेंटिंग पर पे आधारित बैग्स हैं स्टॉल्स हैं शाड़ियाँ हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं जानते हैं इप्शा से कि आखिर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ जी मैं ये सिलसिला लॉकडाउन में शुरू हुआ लॉकडाउन के शुरू होते उसके एक महीने के बाद जब सारी चीज़ें बंद हो गई मैं भी जॉब में थी और अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रोजेक्ट बंद हो गया तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिस चीज़ का हुनर मेरे हाथ में पहले से है क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बनाती हैं साड़ी हो गई चादर पेंटिंग्स कुर्ता बैग्स जेंट्स के लिए आपका लैपटॉप बैग हो गया ऑफिस बैग फाइल फोल्डर्स इस तरह की तमाम चीजें इसके अलावा हम लोग टाइम टू टाइम पे नई चीज़ों का कुछ इनोवेट करते रहते हैं लाइक छठ के टाइम ने लॉकडाउन में आपकी नौकरी चली गई थी हाँ जी तब जा करके आपने यह काम शुरू किया शुरू किया तो क्या रिस्क लगा शुरुआती दौर में ये काम शुरू करने वक्त क्या रिस्क तो अपने? काफी लगा क्योंकि एक ऐसे समय में शुरू किया जब सब कुछ बंद था तब हमने अपना कारोबार शुरू किया जब सब तमाम कारोबार बंद थे तब हमने अपना कारोबार शुरू किया लेकिन उस समय हमने ऐसी चीज से शुरू किया जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी और वो था मास्क और मास्क से हमने काम शुरू किया इसकी वजह से वो काम धीरे धीरे जब फैलते गया और डिजाइन जब लोगों को पसंद आने लगे तो लोग उसमें गमछा साड़ी वगैरह बना के क्या क्या चीजें हैं जो अभी आपकी कंपनी आवरण बेचती है आ, वो तो दिखाना चाहूंगा आपको और बताइए क्या क्या चीजें हैं जैसे मैं ये आइटम से शुरू करती हूँ ये बैग हो गया जो गिफ्ट आइटम वगैरह में काफी चलता है इसी तरह के डिफरेंट टाइप्स के बैग्स हो गए ये छोटी छोटी पेंटिंग्स हो गई होम डेकोर आइटम में ऑफिशियल hmm. यूज के लिए ये ये फाइल hmm. जिसको अगर आप लेके चलते हैं अलग ही ही सब बहुत रेंज की है 400, 500 से शुरू होता है इसका रेंज hmm. इसके अलावा ये एक स्टॉल है जो जेंट्स लेडीज दोनों में कुर्ते के ऊपर रखने के लिए hmm. लोग ज्यादातर जेंट्स में इसकी डिमांड ज्यादा आती है hmm. प्लेन कुर्ते पे शेरवानी पे शादी वादी में भी लोग उसको पसंद करते हैं ऑफिशियल यूज के लिए ये लैपटॉप बैग हो गया जो हमारे ऑफिस में कंपनीज में बहुत डिमांड आती है और ये बहुत कन्वीनियंट है ये दो तीन कंपार्टमेंट वाला इस तरह का लैपटॉप बैग हो गया जिसमें आपको लैपटॉप के लिए अलग कंपार्टमेंट हो गए इसलिए लैपटॉप बैग के अलावा तमाम चीजें हैं जो यहाँ रखी है ये सारी चीजें क्या हैं ये प्रोडक्ट कितने में अवेलेबल है ये लेडीज पर्स है क्या मैम हाँ जी ये लेडीज पर्स है क्लच पर्स जिसे हम बोलते हैं तकरीबन कितने में आवरण उपलब्ध कराता है इन लोगों तक ये 500 से शुरू है इसकी 500 से बहुत ही नॉमिनल रेंज है जी अगर आप देखें तो और 500 से ही शुरू है इसके, हमारे इसके अलावा तमाम चीजें हैं एक स्पेशल ये प्रोडक्ट दिख रहा है ये किसके बारे में बताइए ये प्रोडक्ट जो है ये आपको छठ पे आधारित मिथिला पेंटिंग इसके आंचल में की गई है ये साड़ी है जिसे आप देख सकते हैं ये एक प्लेन साड़ी है है पे आंचल पे हमने छठ का थीम बनाया है। इसके अलावा एक और कितने प्रोडक्ट्स हैं अभी आपके पास उपलब्ध मोर देन हंड्रेड के लिए मधुबनी पेंटिंग में बहुत कम ऑप्शन होते हैं ऐसे में आपका क्या प्रयास है नहीं देखिए लोग ट्राई नहीं करते हैं रिसर्च नहीं करना चाहते नई चीज़ों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लेकिन जब से मैंने मेंस कुर्ते पे डाला है और लगन के दिन में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है आप लोग कहते हैं कि येलो कलर फेमिनिन कलर है लेकिन ये किसी ने स्पेशली ऑर्डर करके कि मुझे येलो में चाहिए हल्दी में पहनने के लिए ये बनवाया है तो मेन्स में भी शेरवानी तक कितने प्रोडक्ट होंगे मोर देन हंड्रेड टाइप्स के प्रोडक्ट मेरे पास वह टाइप्स बता रही हूँ स्टॉक्स तो हंड्रेड प्रोडक्ट्स हैं कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको uh, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लाइक like, अभी तीन साल नहीं हुए हैं लगभग तीन साल अप्रॉक्स होने को आए और तीन साल के बाद जो मेरा रिस्पॉन्स है uh, मुझे बताना नहीं पड़ता बहुत सारे लोग खुद से जान के हमारे पास आते हैं पहले था कि लिमिटेड ये थे कस्टमर्स थे जो मेरे नोन हैं बट अब धीरे धीरे मुजफ्फरपुर में लोग इस चीज़ को जानने लगे हैं और न सिर्फ जानने लगे बल्कि मुझसे खुशी खुशी परचेज करते हैं और दूसरे लोगों को रिकमेंड भी करते हैं ये एक अच्छी बात है मेरे लिए। आप कैसा लगता है आपको अच्छा लगता है, एक लगता है, जब... है जो आप, अपने पेंटिंग के दृष्टिकोण से या फिर तमाम जो स्वरोजगार करना चाहती हूँ उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी न्यूज एटीन के माध्यम से मैं स्वरोजगार के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आपको उस चीज़ के लिए रिस्क लेना चाहिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर नहीं होगा तो नहीं होगा के लिए आप अपना बैकअप सोचिए कि नहीं होगा तो क्या करेंगे लेकिन होगा क्यों नहीं वो सोच के उसकी शुरुआत करनी चाहिए और क्या क्या नई चीजें हैं जो आप मिथिला पेंटिंग के माध्यम से और मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करा रही हैं मिथिला पेंटिंग के माध्यम से मैं ट्रेडिशनल चीज़ों से हट के मैं एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न का एक फ्यूजन की तरह भी टाइम टू टाइम उसको यूटिलाइज करती रहती हूँ श्योर मैं जैसे एक दिखाना चाहूंगी आपको जैसे कि ये एक वेस्टर्न गाउन है आप देख सकते हैं इसको जीन्स पे या लेगिंग्स पे डालते हैं ये फ्रंट ओपन है और इस गाउन पे कंप्लीटली ये हैंड पेंटेड है कहीं भी इसमें प्रिंट नहीं है तो वेस्टर्न कपड़ों के पसंदीदा लोग भी अब मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग का मजा ले सकते है हैं ले सकते हैं बिल्कुल तो ये तमाम चीजें हैं जो इप्शा पाठक मुजफ्फरपुर में रह करके कर रही हैं।